गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भी टाइम हो रहा है, वेट 5:17 और हम कहाँ पे हैं? आपने थंबनेल और नीचे का कैप्शन देख के तो पढ़ ही लिया होगा कि हम हैं अपने गांव में। और इतना मुझे ये मैंने इंट्रो पे तो क्यों बनाया है बाद में, हमने ये ना इंट्रो गांव में आने के बाद बनाया है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर बनाऊँ और ऐसा अच्छा अच्छे से वाइब आए। आप कुछ कहना चाहती हैं? ये कुछ नहीं कहना चाहती, तो आप ब्लॉग ना पूरा देखना और अच्छे से देखना। ओ मुझे वो तो लेना है थंबनेल के लिए फोटो। हाँ तो मेरा वो तो हो गया थंबनेल, अब आप लोग ना आगे ब्लॉग देखो, देख लो अच्छे से देखना एंड तक। बाय। प्यारा है ना लाल लाल लो मम्मा। ये रहे हमारे पापा मम्मी, हेलो बोल दो। मम्मा डैडी हेलो बोल दो। मम्मी तेज आवाज में थोड़ा सा, अभी आवाज नहीं गई। हेलो हेलो। और पापा भी, हेलो। पापा की तबीयत खराब है, इस ये कैसा हो गया एकदम सदमे में? पापा को देखने आए हैं, पापा को देखने आए हैं तो बेचारे की। हाँ पंखा चला दो, मैंने इसलिए बंद करा था, आवाज़ हो रही थी। और बाहर कितना मस्त वो हो रहा है ना, दिखाऊं? रुक जाओ सारे पौधे। ये वाली बेल है तोरी की, पूरी छत से आ रही है यहाँ से, अभी दिखाऊंगी अच्छे से। ये तो है मतलब ऊपर से जो ये पूरी यहाँ से बालकनी है ना, तो इतनी ऊपर से ऐसे बेल आ रही है। और फिर यहाँ पे तुलसी का है, ये वाला तुलसी का है, ये मुझे पता नहीं कौन से हैं। और पपीते के हैं ये वाले पपीते के हैं। और फिर ये वाला बैंगन का है, और ये नींबू का है, अभी तक ये हुआ नहीं है सही से। और ये तो वैसे फूल है, ये है ना अमरूद का, इस पर ये आ रहे छोटे छोटे से अमरूद। इतना अच्छा तो मिलने लगा वाले घर में, तो अब क्यों नहीं खिल रहे है बताओ जी? इतने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने मोटी कली हैं। ये तो थोड़े से दिन में हो जाएंगे। और अब देखें, अब इस पानी पर तुमने यहाँ गलत करा है, छेद सा क्यों? पूरी चौकी सी खराब होगी यहाँ करती साइड में को। यहाँ क्या क्या बोलू? फिर भी लीची का भी है, एक ये रहा, एक वो रहा। ये बढ़िया, तुमने तो पूरा अपना वो खोल लिया है। ये किसका? ये चमेली का है, और ये वाला तुलसी का है। और वहाँ पर कोने में चमेली का, वहाँ एक वो रहा उधर उधर। बढ़िया है। ये क्यों नहीं खिल रहा अम्मी? ये नींबू का दूसरा। हाँ तोरी दिखाने जरा एक दो, प्यारी प्यारी हमारे सब्सक्राइबर्स को। कोई छोटी सी लग रही हो यहाँ आसपास में, पता है हमने ना इसकी बेल की तोरी भी खा ली अभी, बहुत सारी सब्जी पका के अनगिनत। और टेस्ट वहाँ पे लग रही है खाना। रुको यहाँ से वो दिख रही है, जब छत पे जाएंगे ना तब दिखाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे बहुत सारा खतरा भी हो सकता है। सही है नहीं, क्या फायदा, वहाँ होते तो है नहीं घर में अंदर, केयर कौन करेगा इनकी। तो भी अम्मी काट रही है यहाँ पे, क्या बोलते हैं अम्मी से, मत कितनी नालायक भूल गई, क्या बोलते हैं इसे, बब्बू बोसा ना। हाँ अम्मी काट रही है बब्बू बोसा, और वहाँ से आया है जो हम सामान लेके आए हैं, सेब और शीरमाल, और इसके अंदर और क्या, मौसमी। हाँ मौसमी, और ये वाला हमारा सामान है कबीर मुंडी का। मैंने तीन टेक लिए इस वाले शॉट के, बार बार बोल रहे हैं बीच बीच में। और नहीं गूंगे कैसे, लड़ोगे थोड़ी ना बीच में एकदम से आके, ठीक है। और इन्होंने इधर सुन लो, इन्होंने इधर फोन में गेम चला लिया, और भी वॉल्यूम देखो तेज कर लिया जान पूछ के। कोई नहीं चलेगा, कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वहाँ। हाँ और आप जनाब नहीं, लड़ने से नहीं आएगा। आप बताओ आपका मूड सही हो गया? इन सामान को अंदर रखे हूँ, और कुछ तो हमारे पास होगा नहीं कंटेंट, रख के आ जाऊँ इसे अंदर ऊपर फ्रिज के। तो
शोलों से मैंने ये सामान तो उठा के रख दिया है, अभी और देखना है और क्या करेंगे। पर यहाँ कुछ भी करने लायक नहीं है, मैंने ब्लॉग फिर भी ऑन कर दिया है ना। खुशी हो रही है इतने दिनों बाद आए हम। पता है कौन आया था परसों? परसों आई थी, कल आई थी इधर इधर आई काम आई थी कल परसों आई थी रात के टाइम। परसों आई थी हमारी अप्पी जी और आज हम आ गए। उन्हें भी वीडियो कॉल करूंगी मैं, रुक जाऊँ। इधर हमारा ये है दूसरा रूम, इसका नज़ारा आप लोगों ने बहुत बार देख लिया, मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ हो रहा है इधर, पता नहीं कौन काम करा रहा है, आई डोंट नो। और उधर रास्ता, उधर समर खड़ा है, देखो दिखाऊँ नहीं दिख रहा। फोटो लेना ज़रा एक, यहाँ मैं खड़ी हो रही हूँ अभी, पर मैं स्टिक लेके आ रही हूँ। अभी तो मैंने इंट्रो भी शूट नहीं करा, आप लोगों ने तो इंट्रो पहले ही देख लिया, बट मैंने जो अभी करंट लाइव टाइम है उसमें नहीं करा मैंने इंट्रो शूट। यहाँ पे खड़ी होके एक फ़ोटो लूँगी प्यारी सी, मैंने देखा एक पोज, और धूप में अच्छी आती वो, अब भी सही है। और क्या बता रही थी मैं, रहने दो, मैं नहीं बता रही, देखते रहो बस आप, हम जहाँ भी जा रहे हैं। और ये जो ये कमरा है, इसमें आपको पूरा कबाड़ मिलेगा, कबाड़ नहीं है, इसमें भी बहुत काम की चीज़ है। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है ये हमारा फ्रिज। कुछ है इसमें सब्जी, मौसमी, फलाना ढिमकाना, दूध, चिकन, नींबू, पानी, सॉस। कहाँ का माहौल दिखा रहे हो? दिखाओ जल्दी, दिखाओ जल्दी। ये अम्मी कितने साल पुरानी अलमारी है, जब कभी अम्मी की शादी हुई थी ना, जब ये अलमारी मेरी मम्मा की शादी हुई थी, मेरी मम्मा भी 50 साल पहले। नहीं अंधेरा क्यों आ रहा है इतना? हाँ अब तो ये है हमारी मम्मा की तरफ से गिफ्ट। नहीं ये कोई ऐसे यार, इतनी बेचारी इनोसेंट है, पेट क्यों निकल रहा है तुम्हारा इतना? देखना कितना बाहर आ रहा है। और कैसा लग रहा है? अच्छा सही, नहीं थैंक यू वाली क्या बात है, अच्छा लग रहा है। आप क्या, आपका क्या कहना है जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इनकी बहुत तबीयत खराब है बेचारे, पापा जी ठीक हो जाओगे। लाइट कहाँ से ऑन होती है कमरे की? हैं लाइट क्या? हाँ इस कमरे में लाइट नहीं है, लेट जाओ इसी बात पे, आराम करो, आ रहे हैं। और अंदर बन रहा है खाना, मैंने एक वीडियो अपलोड करी है ना अभी शॉर्ट, वो गलत टाइम पर डल गया और वो फ्रीज हो गया, फिर जुबान चल रही है उसकी। और ये भी चला रखा है, चुप बिल्कुल, वीडियो में जो मुझे डिस्टर्ब करता है ना। और ये वाला मम्मा का है, दिखाना, मैंने लिए, हमने लिए थे 3 कुर्ते जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे, मतलब डैडी को भी, और तो एक अम्मी के लिए, एक मेरा एक मम्मा का। मैं जा रही हूँ इंट्रो शूट करने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा वो आ रहा है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पर वहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे इसलिए करूँगी। यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, मम्मा यार भूख लग रही है बहुत गंदी वाली, दे दो, खुद तो खा रही हैं, बनते बनते भी कच्चा ही, क्या मतलब कुछ फील नहीं होता कच्चा खाना खाते हुए। ओए किसका है बिल्ला? अच्छा उनका, बराबर वालों का। आ जाओ भाई, बेगम बहन, क्या नाम है आपका? आई डोंट नो, मालकिन, अपना लुक दिखाना पूरा, सॉरी मैं तो सिर्फ ऐसा आगे वो कर रही थी। अपना लुक दिखाओ पूरा अच्छे से, आपका लुक दिखाओ पूरा, सबको दिखाओ। चल कितनी तेज आवाज है, कितनी इसकी आवाज है ना, हमारे बच्चों की तो बिल्कुल भी आवाज नहीं है। तो ये है मम्मा का पूरा लुक, दुपट्टा, सूट, और ये पजामा, और ये स्लिपर्स, यू आर लुकिंग प्रिटी। और ये है मम्मा, यहीं खड़ी रहो, मुझे तुमसे कुछ काम है। आ गया था ओए, आ गया था, कितना गंदा फोन का कवर है। ये है इतनी सारी बेल, मतलब इसमें अगर कुछ घुस के भी बैठ गया ना इंसान भी, तब भी नहीं पता लगेगा, जानवर की तो दूर की बात है। और ये खतरों के खिलाड़ी वाला गेम खेल रहे हैं। हाँ मुझे तो नहीं दिख रही, अच्छा ये है तोरी, सानाबाजी लगी होंगी पक्का, कितनी सॉरी अब पिले हुई वो तो सारे कल। अरे बिल्ली तुझे कुछ दिक्कत है क्या? अपने घर पहुँच, चल निकल, बदतमीजी कर रही है,
ये रही इधर इधर यहाँ पे आवाज आ रही है तोरी की। मैं बिल्ली कह रही हूँ, मुझे लगा बिल्ली पूछ रही हूँ। डर नहीं लगता है उसने से, मम्मा को लग रहा है। भाई तुमने आज तक ऐसे काम नहीं करा तो तुम्हें लगेगा कि छिपका ली और सांप सांप घुस के बैठ जाए, पता लग रहा है। कितना मस्त लग रहा है ना पूरा व्यू। ये कैमरा उल्टा क्यों आ रहा है, मुझे लगा रहा है सॉरी। वो देखो नज़ारे, काफ़ी दिनों बाद आए हम यहाँ पर, काफ़ी 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 दिनों बाद। पेड़ कैसे हिल रहा है वो, माशाल्लाह। लुक एट द स्काई, ब्यूटीफुल। और यहाँ से देखो, यहाँ से तो और भी ज़्यादा प्यार लग रहा है। मैं कोने में घुस रही हूँ यहाँ पे, ये और ऊपर, वाव। ये हमारी पूरी छत है और यहाँ से दिखता है फिर दूसरा नज़ारा। यहाँ पे इन लोगों ने फर्श डलवा रखा है, अभी डलवाया ताज़ा ताज़ा ना। सही है, वहाँ पे और घर है बाकी पीछे तक, वो दूसरी गली में अटैच है। इतना मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे, मतलब जो लोग यहाँ पे रोज़ रहते हैं, पर सबका अपना अलग अलग वो है ना रहने का, कोई शहर में है कोई गांव में है, सबका अपना अलग अलग है। अब अच्छा भी नहीं लगता मम्मा, वो बात है कि मतलब किसी का काम किसी की मजबूरी। सही है यार, अपना जहाँ पे काम होता है सब कुछ है वहीं। हम यहाँ पे लॉकडाउन में 2 साल रहे हैं पूरे, 2 साल डेढ़ साल, 1.5 साल रहे हैं हम पूरे यहाँ पे। पर ये देख लो इतना अच्छा लगा यहाँ पे रह के, मतलब दिल्ली में तो घुट जाते हैं हम बिल्कुल। जब तो हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी, ब्लॉगिंग तो हमने अभी करी है 5 महीने पहले स्टार्ट। और भाई उस टाइम में तो घुट के मर जाते दिल्ली में, क्यों दिल्ली में हमारा कितना बड़ा घर था, 60 गज का था बस। जितना फिर यार, जितना इंसान को जितना मिलता है उतना कम लगता है दिल्ली में, 60 गज। फिर उसकी नीड बढ़ती रहती है हमें। नहीं यार, फिर भी जो गांव में रहने वाले होते हैं उनके लिए 60 गज बहुत कम होता है। इतना खुला है यहाँ पे, कैसे रह लेगा कोई आदमी इतने बड़े घर में, है मतलब इतने से घर में। सिस्टर ये वीडियो बनवा रही थी, बड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ तो अच्छा लग रहा ना सब कुछ, भाई हमने भी नहीं खाया कुछ। पानी पी है हमने, चाय पी रखी है, इसने दूध पिया है, इसने नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी, मैं बता रही थी कि इसने पिया है। हमें बहुत राजों का पता लगा, हम बता नहीं सकते सारे राज। एक बार रुक, एक दिखा, नहीं कोई जरूरत नहीं। हमारे पास ये, मैंने जो आदमी तो देख, ये स्टिक नहीं है मेरे फोन के, 108 मेगापिक्सल कैमरा, मत खींचो मेरा फोन। ओ हो तो इधर छोड़ इसको, फोटो आगे लेके आना, आगे लेके आओ बस, रुको ऐसे नहीं ना, जो भी रहने दे। मम्मा नीचे पधार रही हैं क्योंकि जो इनका पेटा ना उसने बोल दिया बहन और मत फोटो खींच और मत वीडियो बना, चल नीचे। मैंने तो पहले ही बोला था फूफी हमारी सारी ले गई तोड़ी तोड़ के। खाना दो मुझे, तो अभी हम खा रहे हैं खाना और यहाँ पे बनी है सालन, ऐसे ही डुबाओ और ऐसे खाओ, खा ले। अंधेरे में थोड़ा ना बनता, व्लॉग चलाना पड़ गया लाइट पे। इतनी प्यारी दादी के साथ, खूबसूरत सी अपनी दादी के साथ सुरमा लगा रखा है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है आँख। पता है मेरे तो बह जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, पता डॉक्टर ने। हमारी दादी हमें प्यारी प्यारी रोटी बना के खिला रही है, हमें थैंक यू। तुम्हारे मुँह पे तो ग्लोस आ रहा है, क्या बात है, हैं आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं वो कह रही हूँ को दिखा देना सबको जरा, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को जो आप लेके आई हैं, दिखा दोगे ना, क्यों नहीं हमें दिखा देना, अच्छी बात है। और लोगों को फिर ना अंदर से वो मिलती है कि हाँ हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए अच्छा काम, और वो भी एक सवाब के अंदर ही आएगा। बोलते तो इस घर में सब है पर मेरी वीडियो शुरू होते ही सब कुंगे हो जाते हैं, जैसे बोलना सीख ही ना हुआ, और खास कर ये ओकात ओकात मरे ले, ये निकली ऐसे निकलती है, एक भी अच्छे लफ्ज के लिए नहीं निकलती, प्यारी प्यारी सी कमी निकली।
मैं भूल गई। ये दोबारा 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 एक और बार कभी एक और बार करियो। इसने मुंह फोड़ा और मुंह फोड़ बताओ जी। मैं सोचू राशन कहाँ जा रहा हमारा सारा, आज पता लग गया। ज्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए वरना जो स्टिक रखी है ना सर में उठा के मारूंगी, सर में। चुप। अम्मी सॉरी अम्मी आ जाओ अंदर। ओ भाई फिर आया डबल नूर। ये अम्मी पाँचो टाइम की नमाज, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेकअप सा कर रखा हो तुमने। तो अभी हम लोग आए हैं दोबारा छत पे क्योंकि कबीर जिद कर रहा था। खराब हो रही है, बाल कटवाने पड़ेंगे। बहुत गंदी हो रही है ना। अगर ये दाढ़ी भी होना तो शेप में होनी चाहिए। आज इनुआ पे चिन्नू मैं नहीं आ रही। चलो एंटी ने कितने सारे कबूतर हैं इसके ऊपर। क्या कौवे कौवे हैं, कबूतर नहीं है। नहीं देखो 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 दो। नहीं 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 हाँ बस खुद अपने मुंह से गा गाना तब ज्यादा अच्छा लग रहा है। सारे गाने एक जगह मिक्स कर दिया है। क्या मस्त मौसम है ना, देख क्या सारा सा लग रही है पूरी छत इसकी वजह से भरी भरी सी। मैंने नहीं बोला क्यों अच्छी लग क्यों तुमने। अच्छा तुम्हारी तो इतनी सी है वो जरा सी सी बिल्कुल। वाइट वाले घर से ज्यादा नहीं अच्छा लगता है वाला घर। हाँ तो मेरा बिल्कुल भी अब मन नहीं लगता, सारा इधर लगता है सारा। दोबारा उठा के तो मैं दोबारा मारूंगी, स्लो मोशन में चलाऊंगी फिर उसे। कबीर बाबू चुक के दियो सारे। अच्छे दे देना या तोड़ो मत, उस पे से मत तोड़ो। जो गिरे हुए है ना वो दो मुझे। आए तो फिर तोड़े और वो वेस्ट हो जाए। अपने ऊपर गिरा लूं ना ऐसे करके। तेरा क्यों हो रहा है अंधेरा अंधेरा उधर से कहां, वहां से इधर से बस एक और है ही नहीं, स्विच ही नहीं है इसका, खराब हो गई। ये लाइट लग रही है बाहर। ओ भाई पर्पल कलर का आसमान। अभी बस बहुत सारी बात करके अभी निकलने वाले हैं तो चलो चलते हैं। याद आएगी यहाँ की, कितना अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी बस हम जा रहे हैं नानी के यहाँ। फोन आ रहा है मामू का। मम्मी दुआओं में याद रखना। आओ 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 जल्दी आओ। ये रही अम्मी चप्पल, ये रही तुम्हारी। कौन सा वाला फोन है? ये डैडी का है और कबीर वाला ले लिया मम्मा। और कुछ तो नहीं रह गया, स्टिक लाओ मेरी स्टिक। मेरी स्टिक मेरे हाथ तो ही नहीं आ रहा, वो जब वहां से ना मुझे दिखता वो समर चढ़ के भाग लेता। क्या कह रही हैं आप, मेरी तारीफ हो रही है? उस दिन की तरह देख रही हो मेरे हाथ में कितना सामान है। एक में फोन है, एक में स्टिक है, एक में चार्जर है। सारी मेरी जरूरत की चीजें हैं जिनके बिना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। हमारी गाड़ी ना झूला झूल रही है, सबको टेढ़ी खड़ी है। और ये बेगम जा रही है उतर के, मैं भी आऊँ क्या? क्या तो अभी हम नानी के यहाँ पे तो आ चुके हैं और नानी यहाँ पे नहीं है तो अभी जा रहे हैं बस खाना वगैरह खाने के लिए। तो अभी हम नानी के यहाँ पे तो आ चुके हैं और मुझसे भी खाना वाना खाया है और बस बैठ के सब बात करेंगे, कुछ खास नहीं करेंगे। और ये रही हमारी प्यारी परी, हेल्प कर दी अपने। हेलो तो बोल दे। हेलो मुट्ठी भर गए बहुत सारी खा रहा है मम्मा, मुझे भी देखे क्या है। इधर कोई है कबीर है कैप्स लगा दे, छुपा देगा। छुपा दो मामू वो डब्बा, देखना देखो इसके हाथ में कितनी सारी है। ये गेम करते हैं सारे इनके फोन में, अब नहीं होएगी बेटा। मामी चलते हैं, ठीक है मामी आप भी याद रखना। उम्मीद रखोगे तो नहीं वैसे, उम्मीद नहीं है आना घर पे, ठीक है? हाँ बाय। इसे भी यही छोड़ दो, ये क्या करेगा साथ जाके। चले ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, निकलो।